माता जी नमस्कार। जय माता जी के बेटे, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, गांव, जिला, कुछ? जिला, राज्य और फिरोजाबाद से ही हूँ, प्रॉपर शहर से। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? भूतकाल और भविष्य काल दोनों। अच्छा, अंशुल, अंशु अंशु ANSHU। अंशु, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल का चाहिए। वर्तमान तो अभी चल ही रहा है, उसमें कोई दो ही बता दीजिए आप। अच्छा, वर्तमान में अभी मन स्थिर नहीं है आपका, बहुत विचारणीय है, ज्ञान बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, सभी को ज्ञान देने में सक्षम है आप, किंतु जब आपके जीवन में आप को निर्णय लेने का समय आया, तब आपने सटीक निर्णय नहीं लिया, और सटीक निर्णय नहीं लेने के कारण धोखा भी पाया आपने। नहीं हुआ शादी भी, अभी तो कहाँ लड़की, प्रेम संबंध, प्रेम संबंध में जी जी धोखा मिला या नहीं? आपको जी 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 मिला मिला है ना, क्योंकि आपने निर्णय सही नहीं लिया, गलत जगह निर्णय ले लिया, जिसने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं को क्षति पहुंचाया। जी। और भगवान की भक्ति आप चलते फिरते करते हैं, चलते फिरते नमस्कार हो गया, बस इतना ही बहुत है, बैठ करके जप करना, तप करना, ये करते ही नहीं हूँ आप। नहीं कब, वैसे मैं प्रतिदिन लोटा चढ़ाता हूँ शिव जी को, हाँ, और हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ नित्य। अच्छा, आप पाठ करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे तो दिख रहा है बेटे। और आपका नहीं मन नहीं मान आपका मन कहाँ रहता है, और आपकी माला कहाँ फिरती है? माला भी हाथ फिर रही है, मुख में जीभ भी फिर रही है, और मन सर्वत्र फिरता रहता है, जिसके कारण मन व्यथित रहता है, स्वयं के जीवन में सटीक निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ रहा है, उतार चढ़ाव इस प्रकार से, हृदय में जलन होती है आपको, हार्ट में, यानी कि उसको आप डॉक्टरी लाइन में अपच कह सकते हैं, गैस बनना भी कह सकते हैं, यह वर्तमान का फलादेश है। सत्य है या नहीं? जी है। और दूसरों से सत्य सुनने की अपेक्षा रखते हैं आप, केवल मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, झूठ और छल नहीं सुनना चाहता, सत्य है या नहीं? सही है, ये भाव रहते हैं आपके मन में। बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संपन्न है आपके साथ अभी वर्तमान में, है या नहीं? बिल्कुल अभी तो फिलहाल सही है। हाँ, और गुस्सा भी जल्दी आता है आपको, और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, किसी के भी ऊपर गुस्सा आ जाता है, हल्का फुल्का लगा कि आप तिरछा बोल रहे हैं, मतलब टेढ़ा बोल रहे हो, एक दो शब्द अगर किसी से उल्टा निकल गए तो तड़ से जवाब भी देते हैं, गुस्सा भी आ जाता है जोर जोर से, और सावधानी बरतें आप अपनों से, मित्रों से, क्योंकि सावधानी नहीं बरतेंगे तो काल कोठरी में जाने के योग भी है।